नमस्कार मित्रों, मैं अनिश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सामने जो पुल देख रहे हैं ये है आपका, प्लीज़ देखिए वाइट वाइट, ये क्या है? ये है गंदगी। ये जो पुल देख रहे हैं ये है आपका पुराना पुल, जो कि टीन वन है। ऊपर से गाड़ी जाती है, नीचे बैराज बनाया गया है वरना नदी का पानी रोकने के लिए। और देखें यहाँ पर आप कितना गंदा पानी यहाँ पर, ये सब जाएगा गंगा नदी में, ठीक है। और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कज्जाक पूरा और अभी का काम कितना पूरा हुआ है। और ये है आपका पूर्वांचल सबसे लंबा आर ओ बी। चलिए चलते हैं, यहाँ देखिए शिव जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनी है, अगर कहीं का ऑर्डर होगा, काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनी है। और सरैया से इस प्रोजेक्ट का काम यहाँ देखिए स्टार्ट हो गया। ये रास्ता अगर बंद किया गया है बड़ी वाहन के लिए गया है। ये सामने पुलिस चौकी थाना जैतपुरा, पुलिस चौकी सरैया। ये पोर्टेबल फ्रेम तकनीक से बनाया जा रहा है दोस्तों, अंडर पास के ऊपर ब्रिज। देखिए ये आ गया है लोहे का पूरा स्टील का गार्डर, यहाँ देखिए उतारा जा रहा है। और इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है, स्पैन पिलर में 15-16, स्पैन 14-15, इसे पूरी जानकारी दिया गया है। देखिए यहाँ पर ट्रेलर में इसमें आया था, इसे गार्डर के माध्यम से उतारा जा रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ इसका स्लो पैकेज ब्रिज का, उसके लिए गड्ढा खोद दिया गया है और इसके बनने से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगा। और यहाँ से लेकर आगे तक देखेंगे ये सब ढाला गया स्पैन, लेकिन इसके आगे से फिर स्टील गार्डर लॉन्चिंग किया जा रहा है ताकि जल्दी बन सके ब्रिज। यहाँ का माहौल देखिए, ये देखिए यहाँ पर फ्रेम में जो ब्रिजेस को डिज़ाइन बदलाव किया गया है, पिलर में 7-8-9 लाइन से दिख रहा है, पूरे 54 पिलर है जिसमें से 51 आपके देखिए, पहले देख लीजिए आप पोस्टिंग मेथड के हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा है। स्पैन 67 मीटर का रखा गया, 72 मीटर होने वाला था लेकिन लागत बढ़ जाएगा इसी वजह से उसको मना कर दिया गया है। देखिए लॉन्चिंग काम चल रहा है इसलिए रास्ता बंद किया गया है और सिर्फ बाइक ही आ जा पा रही है, बाकी गाड़ियों को बंद किया गया है, चार पहिया कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ रोक के किनारे से आपको, ये देखिए इस साइड ये देख रहे हैं, इस प्रकार स्पैन यहाँ पर रख कर फिर ढाला जाएगा, इससे काम जल्दी होगा, देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, किलो नंबर 12 के पास आके हम लोग फिर 13-14। देखिए यहाँ पर अभी आगे काम चल ही रहा है, फाइलिंग काम वगैरह हो गया, बाकी पिलर काम चल रहा है, हर पीछे से जोड़ा जाएगा इसको। बाकी वीडियो कॉल डिवाइस क्वालिटी कैसा रहा कमेंट जरूर बताएगा मुझे। यहाँ देखिए पूरी मशीनें लगी हुई है, बाइक जाने धीरे धीरे, देखिए फिलहाल मशीन से देखिए यहाँ सामान जा रहा है, रुक जाए। दुर्घटना से देर भली, यहाँ देखिए स्पैन ये पाइप आ रहा है ना, इसी वजह से डिज़ाइन काफ़ी बदलाव किया गया इस प्रोजेक्ट के। सामने उधर देखिए कितने हाइट बनाया जा रहा है और ये सबसे ऊंचा आर भी बनाया जा रहा है, क्योंकि नीचे रेलवे लाइन रहेगी ऊपर ब्रिज रहेगा। काफ़ी जाम लग रहा है यहाँ पर, फिर जगह भी कम है। और इसमें दोस्तों दो रेलवे लाइन पर ब्रिज मतलब ये बन रहा है, एक पूर्वोत्तर रेलवे लाइन एक उत्तर रेलवे लाइन, ये देखिए इसके ऊपर से ब्रिज बनेगा, इसलिए देख सकते हैं
पिलर की हाइट देखिए कितना है, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक। या तो नॉर्मल इतना हाइट होता नहीं है, इसीलिए देखो ये भी जोड़ा गया, ऐसे भी जोड़ा जा रहा है। इस पर राइड करने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। देखिए जाम भी लग गया यहाँ पर। कितने गाड़ी लेकर वापस चले जा रहे लोग, थोड़ा रुकते 10 मिनट देखिए क्या होता है। किलो नंबर 26 के पास हम लोग अभी है। काफ़ी ज़बरदस्त जाम लग गया है। भाई कहावत याद आ गया है, पिलर नंबर 29 के पास आ गए हम लोग काफ़ी जाम से निकलने के बाद। और यहाँ देखेंगे इसकी डिज़ाइन काफ़ी अलग टाइप की गई है। अब निकलने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अब अंडर पास चालू हो गया है। ये देखें यहाँ से पिलर नंबर 33। गाड़ी देखने से आवागमन चालू हो गया है क्योंकि अंडर पास बन चुका है अब। वैसे भी सिर्फ बाइक ही जा रही है, बस जाम न लगे इसलिए कार रोड को मना किया गया अभी, मतलब इस प्रकार के बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया रास्ता। फिर ये सामने आरो भी, और यहाँ पे RCC ढलाई भी कर दी गई है। देखिए पूरे तरीके से बंद कर दिया जा रहा है और रास्ता कुछ ऐसे इधर से निकल रहा है बाएं साइड से। ये देखिए यहाँ पर RUB का काम किया गया, कैसा लग रहा कमेंट जरूर बताइए मुझे आप, अद्भुत। चलिए अब अंडर पास चलते हैं जो चालू हो गया है। देख रहे हैं पेंटिंग बनाया गया है। लाइट की जरूरत है इसमें। कम से कम दूरी घटे इससे। जरूरत था भी यहाँ पर अंडर पास की। ऐसे बनारस में और जगह बन जाए तो काफ़ी लोगों को राहत मिल जाएगा, जहाँ से मुक्ति मिली जाएगी। टोटो बनारस में इतना होगा, इतना होगा जिसकी कोई हद नहीं है। और टोटो वाले भी कम नहीं हैं, जहाँ बाइक साइकिल जाने वाले मतलब सोचेंगे जिस कोने में घुसाने के डरेंगे वहाँ पर टोटो वाले अपना गाड़ी घुसा देंगे। देखिए यहाँ तक ढलैया हो गया है, गाड़ी जा रही है, इधर से ढलैया बाकी है। यहाँ पर इतना काम हुआ है, ये काम चले फिर यहाँ से गाड़ी का आवागमन चालू हो जाएगा। पिलर में 44 के पास आ गए हम लोग, पिलर में 45-46 ऐसे लाइन से है पूरा। वैसे नक्शा में दिखाई दूंगा कैसे यहाँ पर बन रहा है, ये सब तो पहले ही तैयार हो चुका था। वैसे रोड यहाँ चौड़ीकरण की ज़रूरत है, काफ़ी जाम लगता है शाम के समय यहाँ पर। इंडियन ऑयल देख रहे जाम लग रहा है ना। मौसम भी कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इस समय, देख रहे बादल एक नंबर।
आके यहाँ पर देखिए आप, बस गिट्टी डाल के कंप्लीट कर लिया गया यहाँ तक काम, ये स्लोप यहाँ तक आ रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर महादेव। 2019 से काम से प्रोजेक्ट का ये है। अच्छा चलो 24 5 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को, अभी तक बना रहा है।